जी हमारा इसका थोड़ा समाधान हो जाए तो बैठने लायक हो जाए, नहीं तो बुरा हाल है। देखो जी आपके यार लोग सामने, आस लेकर के आते हैं कि हमारे जो बीमार पशु है कहीं ना कहीं उनका इलाज हो, कहीं ना कहीं ठीक हो, लेकिन हॉस्पिटल खुद बीमार है तो कहीं। नहीं हमने चेताया था, बताया था, उन्होंने मंत्री जी को भी बकायदा भेजी थी ये बात है। तो उन्होंने मतलब पहले तो ये मेन हॉल बनवाया था एकदम, तो देखो टेंडर पास हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला था कि भी टेंडर पास करवा के इस बोले भाई बिल्डिंग को तोड़ देख दो। मेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, और कितना बदल गया इंसान। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी था। आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज भाई। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, फिलहाल अपन शिवानी मंडी के पशु हॉस्पिटल में पहुंचे हैं भाई। मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर पशु हॉस्पिटल का नजारा दिखा दे भाई। भाई कहने को ये पशु हॉस्पिटल है, लेकिन फिलहाल आप जो नजारा देखने लग रहे हो, जो मंजर देखने लग रहे हो, आप ये मंजर देख के ये नहीं कह सकोगे कि अपन शिवानी मंडी के पशु हॉस्पिटल में। यहाँ भाई फिलहाल शिवानी मंडी के पशु हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं भाई। शिवानी मंडी पिछले 2 दिन पहला बहुत भारी बरसात हुई, बरसात के कारण पूरी शिवानी मंडी का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। पूरी जल भराव इतना ज्यादा हो गया शिवानी मंडी के अंदर कि हर तरफ जो पुरानी बिल्डिंग थी वो बिल्कुल जर्जर होगी। तो मैं कैमरामैन से पूरी तस्वीर दिखा दी। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हो शिवानी मंडी के सरकारी पशु चिकित्सालय की, यानी कि पशु हॉस्पिटल है। सरकार ने पिछले दिनों भाई एक टेंडर पास करवाया था, यहाँ पर ये मैन होल बना दिए गए थे पानी के लिए, भाई जो शहर का जो पानी है, सड़कों का पानी है, वो इसके अंदर जमा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैन होल जो बनाए गए थे, अगर इस हॉस्पिटल के अंदर बढ़िया बिल्डिंग बना देते तो कहीं ना कहीं आज इस हॉस्पिटल की भी शान बनती, यहाँ पर आने वाले जो मतलब पशु हैं, अपना पशु लेकर जो लोग जन आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा होती। लेकिन आप देख सको ये जमीन से इतने ऊंचे उठा दिए गए, पानी इनके अंदर जाने की बजाय और पूरे हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया, जिससे मतलब पानी भरने के कारण ये पेड़ गिर गया और हॉस्पिटल की दीवार ही पड़ गई। शासन और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो चुकी है और ये पानी भरने से मतलब रोड का जितना पानी था, रोड की जितनी गंदगी थी, वो सारी हॉस्पिटल के अंदर आके फैल गई है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, कर्मचारी हैं, जितने भी हैं उनका, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये हॉस्पिटल की पिछली खेड़ में आप देख सकते हो, यानी कि पूरी जितनी भी गंदगी थी शिवानी की, हॉस्पिटल नीचा होने के कारण पूरी गंदगी जो थी वो पानी के भाव के अंदर आकर के गंदगी हॉस्पिटल के अंदर तक फैल गई। अब फिलहाल और इतनी गंदगी हो रही है कि यहाँ पर हमारा खड़ा होना भी दूभर है, इतनी बदबू कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद आप, इनसे बातचीत भी करांगे। अंदर का दृश्य आप देख सको, फिलहाल इतनी गंदगी यहाँ पर आ रही है, पानी के कारण जो है वो इतना नुकसान हो गया है। मतलब बिल्डिंग थी वो कुछ तो जर्जर हालत में पहले ही थी और भी जर्जर हो गई। नमस्कार सर जी, क्या दिक्कत है? मतलब पिछले दिनों हुई बरसात के कारण पूरा हॉस्पिटल की हालत जो है वो जर्जर हो गई है, कितनी क्या परेशानी है? पानी तो भर ही जाता है जी, इस कमरे में भी आ जाता है, परले कमरे में भी आ जाता है, और परले 2 कमरे तो जर्जर हालात में है जी। तो जी पिछले दिनों जो नगर पालिका प्रशासन से कुछ पैसे खर्च करके मेन होल बनवा दिए गए थे, पानी जो शहर का है वो इसके अंदर चल जाएगा, तो उसके अंदर पानी पुणी ऐसा कुछ नहीं गया? देखो जी इस बारे में तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो पानी भर जाता है जी। हाँ फिलहाल इतनी गंदगी है, मतलब यहाँ पर खड़ा होना भी दूभर है। अगर कोई आपका पशु लेकर के भी आए, आप भी यहाँ पर रहते हो, तो इतनी मतलब बदबू आ रही है यहाँ पर, तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहूंगा? प्रशासन से तो हम यही कहना चाहते हैं कि जी हमारा इसका थोड़ा समाधान हो जाए तो बैठने लायक हो जाए, नहीं तो बुरा हाल है। देखो जी आपके सामने। तो मीनू चौहान जी इनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार जी। जी आपके हॉस्पिटल की हालत आज ये अलग ही है, और आप भी मतलब भाजपा के कार्यकर्ता रहे हो, भाजपा नेत्री रही हो, तो क्यों नहीं आप इस मामले में प्रशासन को चेता नहीं सकते? नहीं हमने चेताया था, बताया था, उन्होंने मंत्री जी को भी बकायदा भेजी थी ये बात है। तो उन्होंने मतलब पहले तो ये मेन हॉल बनवाया था एकदम, तो देखो टेंडर पास हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला था कि भी टेंडर पास करवा के इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जाएगा। बनवाया कब जाएगा? फिलहाल बरसात आने के कारण इतना बुरा हाल हो गया कि यहाँ पर मतलब खड़ा होना भी दूभर है। तो आप तो मंत्री जी के भी नजदीक ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं कह के इसका सुधार आप करवा सकते हो? बिल्कुल करवाएंगे सर, कहेंगे। फिलहाल ये रूम आप देख सको, इस रूम की भी हालात ये होगी, मतलब इतना अच्छा लुक था इसका कि यहाँ पर बैठ के जो स्टाफ के सदस्य अभी खाना खाया करते, आराम फरमाया करते, लेकिन आज बरसात का पानी भरने के कारण यहाँ पर खड़ा होना भी दूभर हो रहा है। मैं कैमरा मैन से एक बार अंदर आके चारों तरफ का दृश्य दिखा दे भाई। आप देख सकते हो इस कमरे की हालत इतनी जर्जर हो गई है, जितना भी गंद जितनी भी शिवानी की गंदगी थी, जितनी भी रोड की गंदगी थी, सारी इस कमरे के अंदर आके फैल गई। आप देख सकते हो ये पीछे का दृश्य है, इस शेड जो मतलब क्वार्टर बना रखे हैं उसकी हालत आप देख सकते हो, यहाँ मतलब भाई आवारा पशुओं का जमुआड़ा हो गया, रह गया ये, इतनी ज्यादा गंदगी फैल गई, खड़ा होना भी यहाँ पर दुबर हो रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो, ताकि प्रशासन के कान पर जोर रहेगा, इस मामले में संज्ञान लेके इस हॉस्पिटल की सुध ले। भाई जिस शहर का हॉस्पिटल खुद भी बीमार होगा,
वहाँ बीमार पशुओं का उपचार क्या होगा। यहाँ लोग आस लेकर के आते हैं कि हमारे जो बीमार पशु है कहीं ना कहीं उनका इलाज हो, कहीं ना कहीं ठीक हो, लेकिन हॉस्पिटल खुद बीमार है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पशुओं का इलाज कहाँ होगा। क्योंकि जो हॉस्पिटल खुद की हालत बीमार हो, जो हॉस्पिटल खुद बीमार हो, पशुओं का इलाज कहाँ करेगा। तो आप इस वीडियो ज्यादा शेयर करके घर को डालियो ताकि प्रशासन का कहना पर जोर रहेंगे। तो क्या किधर कर दो वीडियो शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए कैमरामैन सुरेश वर्मा शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।